हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय डियर चैनल नेचुरल ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट मसीमा। आज मैं आप लोग के साथ में एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कैसे मेरी हेयर प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने बालों को 1 से 4 इंच तक लंबा करोगे 1 महीने में, चैलेंज के साथ में। देखो, ऑन पब्लिक प्लेस में आप लोग को ये चैलेंज दे रही हूँ, तो आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उससे पहले मेरी एक भाभी है जिनका चैनल है, मेरी जेठानी है वो, तो उनका चैनल है मीनाक्षी पांचाल करके, उनकी मेहंदी की है चैनल, अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उनकी चैनल को वॉच कीजिए, आप लोग को मेहंदी की जो डिजाइन है वो मिलेंगी, आप लोग उनकी चैनल को भी वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो हम अपनी। तो आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हो, अपने बालों का वॉश करते हो, वॉश करने से पहले आपको क्या करना होता है, ऑयल लगाना होता है। ऑयल कहाँ लगाना है आप लोग गेस कीजिए, ऑयल लगाना कहाँ है? आप कहीं बाहर गए हो, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं, जैसे मेरे बाल हैं अभी, तो अब बताओ मैं बाहर से आ रही हूँ सपोज दैट, तो मैं अपने बालों में ऑयल लगाऊंगी तो कहाँ लगाऊंगी, स्कैल्प में लगाऊंगी, लेंथ में लगाऊंगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप बाहर गए हो, घर आए हो, तो आपको ऑयल कहाँ लगाना है, अपनी पूरी लेंथ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है, कैसे, जैसे मैं करती हूँ, डाउन होकर के आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद आप अपने बालों में कोई भी चीज यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने स्कैल्प में ऑयल किया और अगर आपने ऑयल ना किया और हेयर वॉश किया, तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं और वीक होने लगते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें ऑयल पैक, टोनर, टॉनिक, नाइट पैक, सिरम, कंडीशनर, सारी चीजें कब यूज करनी। देखिए, मेरी जो हेयर केयर रूटीन है, मैंने अपने बालों में सिरम लगाना छोड़ दिया है। सिरम अच्छी चीज नहीं है, आपको नहीं लगाना चाहिए। मैं आप लोग को, सब लोग को यही बोलूंगी, सिरम मत लगाइए, कंडीशनर मत लगाइए, क्योंकि आप जब भी हेयर वॉश करते हो तो आप डाउन होकर नहीं करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं स्टैंडिंग मोशन में हेयर वॉश करते हैं, तो स्टैंड होकर अगर आप हेयर वॉश करते हो तो आपके स्कैल्प से आपका जो कंडीशनर है वो आपके स्कैल्प तक जाता है, आपकी लेंथ से वो आपके स्कैल्प तक जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम होती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे अपने हेयर केयर प्रोडक्ट से। फर्स्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो है आपका हेयर टोनर। हेयर टोनर आपको एक दिन में कम से कम 3 बार यूज करना होता है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम में, ठीक है। आपका जब बाल सूख जाता है तब आप अपने बालों में ऑयल कीजिए, ठीक है। आपको दूसरा क्या करना है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो, आपको एक फोम लेनी है, साइड में जो भी आपकी हेयर लाइन है यहाँ पर आपको फोम करना है, थोड़ा सा प्रेशर करके, जिससे आपके ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और आप लोगों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरा क्या आता है हमारा, हेयर टॉनिक। हेयर टॉनिक आपको कब यूज करना है, जब आपने कल हेयर वॉश करना है तो आज की रात, मतलब कि आपको कल हेयर वॉश करना है तो आपको आज की रात में टॉनिक लगाना है, ओवरनाइट रखना है और उसके बाद से वॉश कर देना है। मैं आपको यहाँ पर डे के अकॉर्डिंग बता दूं, अगर आपको वेनसडे को हेयर वॉश करना है तो आप रात में, ट्यूजडे की रात में आप टॉनिक अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप हेयर वॉश कर देंगे, ठीक है। टॉनिक टोनर का जो कंसेप्ट था आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा आता है री हेयर ग्रोथ पैक। री हेयर ग्रोथ पैक आपको कब लगाना है, जब आप अपने बालों को चाहते हो कि आपके बाल बहुत जल्दी लंबे हो, घने हो, तो आपको अपने बालों में री हेयर ग्रोथ पैक लगाना है, ठीक है। हफ्ते में 2 बार लगाना है, तो आपने मान लीजिए कोई भी, आप अपने अकॉर्डिंग रूल बना लीजिए, अपना आप चीजें बना लीजिए। मैं वैसे सबटाइटल डाल दूंगी, जहां जहां पर जरूरी होगा तो आप लोग वहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस को अमेरिका में और बाहर भी लोग देखते हैं, जैसे कनाडा हो गया आपका और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं तो जिनको समझ में नहीं आता है, मैं टाइटल डाल दूंगी, जो जो चीजें मेन है आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो चैनल है वो हिंदी चैनल है, तो मुझे यहाँ पर आप लोग को सारी चीजें डिस्क्राइब हिंदी में ही करनी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया री हेयर ग्रोथ आपको पैक कैसे लगाना है, इसका तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। अगर आपने मंडे को लगाया है तो ट्यूजडे में आप अपने बालों को अच्छे से ऑयलिंग कीजिए, मंडे में वॉश कर लिया हेयर वॉश पैक लगाने के बाद से आपने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अपने बालों में जैसे आपने पैक लगाया मंडे में हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश करने के बाद से आप टोनर लगाइए अपने बालों में, फर्स्ट टोनर लगाइए, उसके बाद अपने बालों को आप छोड़ दीजिए, आपके बाल सूख जाए। उसके बाद आप शाम में अपने बालों में मंडे को ही रात में आप अपने बालों में ऑयल कीजिए, ऑयल करके आप 2 दिन रखिए उसको, मंगल रखिए और वेनसडे रखिए, ठीक है। ट्यूजडे वेनसडे रखिए, वेनसडे को हेयर वॉश कीजिए, वेनसडे को हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों में आप टॉनिक लगाइए, ठीक है। टॉनिक लगाने के बाद से आप वेनसडे को हेयर वॉश करोगे, हेयर वॉश करने के बाद से आप अपने बालों में चाहो तो अपने टोनर लगाना है तो लगा लीजिए, नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर स्मूथनिंग पैक यूज कर सकते हो, ठीक है, मेरा बनाना वाला स्मूथनिंग पैक। इतनी छोटी सी चीजें हैं गाइस, बहुत इजी है, अगर आप इसको समझोगे, ध्यान से वीडियो देखोगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट ये सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है कि आपको कब क्या चीजें यूज करनी, क्योंकि आपके
पास क्या टाइम है, किस तरीके से आप फ्री रहते हो, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें ऐसे करनी है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है, मान लीजिए आपने स्मूथिंग पैक लगा लिया, उसके बाद आप फिर से अपने बालों में ऑयलिंग करोगे, हेयर वॉश करोगे, हेयर वॉश करने के बाद से फिर आपको हेयर रीग्रोथ पैक लगाना है। मतलब आपको स्मूथिंग पैक एक बार यूज करना है, नाइट हेयर पैक हफ्ते में एक बार यूज करना है, आपका टॉनिक भी हफ्ते में एक बार यूज करना है, और रीग्रोथ जो हमारा हेयर पैक है जिससे आपके बालों की ग्रोथ होगी अच्छी, उसको आपको हफ्ते में दो बार यूज करना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। जब भी आप कोई भी पैक लगाओगे आपको ऑयल करना जरूरी है, चाहे वो आप एक दिन के लिए करो, चाहे आप वो दो दिन के लिए करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर आई है तो आप लोग बता दीजिएगा मुझे वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत ज्यादा में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट्स रहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आंसर करती हूँ मैं, थोड़ा सा लेट करती हूँ क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बोलते तो हो आंसर करोगे, बट गाइस आप लोग सोचो 20,000-10,000 मैसेज के आंसर करना इजी बात नहीं है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी प्रूफ दे दिया है, अब मेरी बस की नहीं है कि मैं आप लोग को प्रूफ दूँ, ठीक है। आप लोग को जो समझना है, जो चीजें आप लोग को ठीक लगे आप लोग कीजिए, और आप लोग को जो चीजें ठीक ना लगे वो मैं नहीं जानती हूँ। आप लोग बस चीजों को अगर अच्छी तरीके से देखते हो, फॉलो करते हो, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मेरी वीडियो के अंदर ही होते हैं। ये जो वीडियो थी आप लोगों के लिए कि मतलब ऑयल पैक, टोनर, टॉनिक, स्मूथिंग पैक, री हेयर ग्रोथ पैक, कैसे कब चीजें यूज करनी है, कैसे हमें अपने डेली रूटीन में ऐड करना है, तो इस पे वीडियो बना दीजिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मेरे को बोला था, तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, तो मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।